हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखिए, इसके आज पहला पार्ट करेंगे, बाकी सेकंड पार्ट जो है उनकी वीडियो में डाल दूंगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का पूरी का, जिसमें पूरी एक्सरसाइज सोल्व कर रखी होगी। अब यहाँ पर देखिए, बोलता है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, बोलता है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम देखेंगे, देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इसमें लगेगा फॉर्मूला, देखिए ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी वाला। कैसे लगा पता? क्योंकि देखिए ये फर्स्ट नंबर है, तो इसको हमने ए मान लिया, प्लस था प्लस लगा दिया। सेकंड नंबर अलग है, 3 और √3 दो अलग नंबर होते हैं, तो इसके बाद ये इसको हमने बी मान लिया। वैसे ये हो जाएगा सी, क्योंकि ये पूरा ही अलग है, यहाँ पर कहीं नहीं आया 2। और ये हो जाएगा डी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए मल्टीप्लाई बाय सी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय डी, वैसे बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी, इस तरह से होता है। तब हम इसमें ए हमारे पास कितना है? 3। बी हमारे पास √3, सी 2, और डी हो गया हमारे पास √2। तो हम सिंपल से फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। तो ये बोलता है ए मल्टीप्लाई बाय सी, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ए मल्टीप्लाई बाय डी, तो ए हमारा ये, और डी हो जाएगा हमारे पास √2। वैसे बी मल्टीप्लाई बाय सी, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी, तो बी मल्टीप्लाई बाय डी ये हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करा, आया 6, और यहाँ पे आ जाएगा 3 √2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जो है आगे आ जाएगा √ के, और √3 को √2 से करा तो 6 आ जाएगा, √6। अब इससे आगे ये सोल्व नहीं हो सकता, क्योंकि ये √ की वैल्यू दोनों की अलग अलग हैं, और ये भी अलग √ की वैल्यू है, तो इसलिए इतना ही रहेगा। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।